Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mera naam Dildar sana. Dildar sana ki khidmat mein hazir hai. To aaj ki jo meri recipe hai, aaj humne banana hai mutton korma. To ye kaise banega? Aaj main aapko bataunga. Usse pehle mera jo channel hai Dildar food recipe, mere channel ko subscribe kare aur meri video ko like kare, share kare, comment kare taaki meri aane wali video aap tak jald pahunch sake. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बकरे के 1.5 किलो मटर लिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब मैं आपको इसके छोटे छोटे पीस करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके छोटे छोटे पीस करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मटर को मैंने काट लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक उसूल सा अपना ये पतीला लेंगे इस तरह का। तो अब मैं इसमें ये जो मटन है ये डाल दूंगा। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह इसमें मटन ये डाल देना है हमने सारा, इस तरह ये सारा इसी में इस तरह डाल देते हैं हम, इस तरह। यहाँ पर ये मैंने डाल दिया। तो अब मैं इसमें डालूंगा प्याज। यहाँ पर ये देखिए, एक मैंने प्याज लिया, ये डालूंगा इसमें। ये देखिए, इस तरह तो प्याज मैंने डाल दिए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगा। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है। तो अब मैं टमाटर डालूंगा। टमाटर मैंने लिया है, ये डाल दूंगा इस तरह। तो टमाटर मैंने डाल दिया। तो अब यहाँ पर मैंने मसाले डालूंगा। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने नमक, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ये मैंने लिया काली मिर्च, ये डाल दूंगा इसके ऊपर इस तरह। तो ये मसाले मैंने डाल दिए इस तरह। भाई समझ कर सपोर्ट करें, आप सब भैया भी सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो सकूंगा। प्लीज मेरे छोटा भाई समझ कर।
चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है और हमें हौसला अफजाई हो जाती है। तो माशाल्लाह ये आज की जो हमारी रेसिपी तैयार हो रही है, तो अब मैं इसमें धनिया डालूंगा। यहाँ पर देखिए इस तरह, तो इस तरह यहाँ पर हमें धनिया डालूंगा इस तरह। तो 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं ऊपर से ढक्कन उतार देता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा मटर कोरमा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो फ्लेम को मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पर फ्लेम को मैंने बंद कर दी है। तो अब मैं डिश टर्न करता हूँ, डिश टर्न करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज की हमारी जो रेसिपी थी मटर कोरमे की वो तैयार हो चुकी है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है और हमें हौसला अफजाई हो जाती है। तो आप मुझे दीजिए